सनातन दवाई का ही मैं शास्त्र के अनुसार हमारा नया वर्ष मुर्गा दान हो गया बाद प्रारंभ होता है। दवाई का है ना कम हो गया मुर्गा दान नहीं है इस वर्ष फुल नैया है आज ऐसी फिटकिरी गरम पानी 24 तारीख फिटकिरी डाल के रविवार रात्रि 10:45 से लेकर 1 बजे तक उनका दान निर्धारित है। उनका दान का विस्तार रूप में सबको मालूम है कि होलिका क्यों मनाते हैं। होलिका इसका राजा कश्यप की बहन उसने प्रहलाद को दंड देने के लिए क्योंकि वह प्रभु का है गुणगाता था अपने पिता राजा का गुणगाता नहीं था। उसके पिता मैं ही परमेश्वर मेरा यति करो मुझे भजो विष्णु को भजने की जरूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नारायण नमः ये प्रहलाद करते थे। प्रहलाद को दंड स्वरूप होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह चादर उसको ब्रह्मा से प्राप्त था इसलिए उसको दिया कि होलिका तो जलेगी नहीं जल जाएगा प्रहलाद मेरा सब समाप्त हो जाएगा और विष्णु आएंगे नहीं मैं पूरे स्वर्ग में पूरे एथी पर विश्वास राज करेंगे ब्रह्मांड में राज बाकी शक्ति का अहंकार था अहंकार तो प्रभु का घोर भोग है भोजन है और जो सच्चा भक्त होता है प्रभु उसके अहंकार को परिमार्जन करते हैं परिमार्जित करके मर्दन करके उसको फिर सोने की तरह उस भक्त को निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोग होलिका मनाते हैं कि उस दिन होलिका का प्रहलाद का जीवन मिला होलिका का अत्याचार का दहन दमन दमन और उसका भी प्रधान है कि होलिका को किस तरह से पूजा हम लोग करते हैं विधिवत शास्त्र के अनुसार पूजा करते हैं परिक्रमा करते हैं और उसके भस्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ भस्म होलिका का दान जहाँ होता है बीच का भस्म में निकाल कर उसको रखा जाता है ताकि अपना जीवन खुशहाल हो लेकर उसको अपने पास रखते भी हैं तिजोरी ये हो गया होलिका दहन। और होली पूर्णिमा आपका 25 तारीख क्योंकि पूर्णिमा उस दिन सूर्योदय पूर्णिमा में बड़ा है और करीब करीब पूर्णिमा 1:30 बजे तक है तो उस दिन पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण रूपेण पूर्ण रूप में चंद्रमा का आशीर्वाद देवता का आशीर्वाद जिस चीज की पूजा करते हैं वह पूरे संपूर्ण रूप में होती है तो उस समय आपका माँ का दर्शन होने की होगा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए पूर्णिमा वो दिन पूर्ण स्वरूप में पूरे आकार में होती है गोल्ड और होली रंग होली जिसको कहते हैं हम लोग 26 तारीख को है पत्रा मनाया जाएगा। पूर्णिमा से घर का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है इसलिए
कहा गया है कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी साधारण पूजा करने से उस घर का नकारात्मक समाप्त होगा और पॉजिटिव ऊर्जा माने सकारात्मक ऊर्जा उसके घर में प्रवेश होगा और खुशहाल और सुखी संपन्न होगा और उसके सभी परिवार प्रसन्नचित रहेंगे। तो प्रसन्नचित आनंदित रहने के लिए प्रसन्नचित रहने के लिए हम लोग पूर्णिमा का दिन भक्ति भाव से पूर्ण भक्ति भाव से हम अपने इष्ट का सदान भवन का विष्णु का हनुमान जी का जो भी जिसके इष्ट हैं उसकी पूजा हम लोग करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम लोग गुरु की पूजा करते हैं, सदगुरु की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपना जो भी माह में एक माह में जो भी आपका नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश किया नहीं वह जो नकारात्मक सोच जो है इसको हटाने के लिए हम लोग सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग पूर्णिमा का दिन पूर्ण रूपेण पूजा जो करता है सतनवाहन का चाहे माँ का इष्ट का कुल देवता का संपन्न होता है तो सकारात्मक पूजा प्रवेश करती है और हमारा काम आगे सकारात्मक रूप से बनते चला जाता है। इसीलिए अपने इष्ट पर अपने गुरु पर विश्वास के साथ समर्पित होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डिवोट कीजिएगा, उसके लिए तैयारी कीजिएगा।